बचपन में गरीबी तो बहुत देखी, बहुत बहुत गरीबी देखी। लोगों के उतारे हुए कपड़े पहने हैं, वो ठीक है, फटे हुए कपड़े पहने, सॉक्स फटे हुए होते थे, चप्पल को, बहुत 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 गरीबी देखी। आपने सारे पैसे लगा दिए जो आपने कमाए? I became kind of gambler. And nobody stopped you in your family? Nobody. सुनिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा है और इसलिए हम इसको लंबा ही छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको एडिट करने की एकदम जरूरत नहीं है। आप पूरा सुनेंगे तो आप खुद ही मुझे थैंक यू बोलेंगे। चलिए वीडियो पर चलते हैं। हमारी जिंदगी अगर किससे कहानी नहीं है तो क्या है, और इसी किससे कहानियों से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। और इसलिए आज बी वेल्दी में हम आपको ना कोई निवेश के टिप्स देने नहीं आए हैं, आज आपको हम एक कहानी पर लेकर चलेंगे और उस कहानी से आपको ये समझ में आएगा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना, बचाना और निवेश करना ही एनफ नहीं होता, एक अलग माइंडसेट चाहिए होती है जो सब में नहीं होती है। और इसके लिए प्रकाश गावस सर, थैंक यू सो मच। इनका कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप इनको टीवी पे 20-23 सालों से देख रहे होंगे, है ना सर? टेक्निकल ट्रेडर हैं, बहुत ही जाने माने, और ट्रेडिंग मेंटोर भी बहुतों को सिखा रहे हैं। अब वैसे माहौल में जहाँ पे सबको ये लगता है कि पैसे बनाना बड़ा आसान काम है और पैसे गंवा भी देते हैं, राइट? अब शुरू से एकदम शुरुआत करते हैं। मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा और सुना, एक क्लाइंट मेरे साथ रह गई थी जिसे मैं शुरू करूंगी, वो ये कि आपको पैसे कमाने की जिद हो गई थी। जी, am I right? Absolutely. बहुत पैसे कमाने थे। ये पहली बार कब लगा था कि बहुत पैसे कमाने? मैंने लॉस मानी जब मैंने नुकसान किया पूरे, जब पैसे मेरे पास नहीं थे तब लगी। हम्बल बैकग्राउंड है, बचपन में नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं, इनफैक्ट पता ही नहीं पड़ा। बचपन में गरीबी तो बहुत देखी, बहुत बहुत गरीबी देखी। लोगों के उतारे हुए कपड़े पहने हैं, वो ठीक है, फटे हुए कपड़े पहने, सॉक्स फटे हुए होते थे, चप्पल को, बहुत 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 गरीबी देखी। लेकिन उस समय गरीबी सबकी थी, नेचुरल गरीबी थी। फिर उसके बाद वो अमीर भी हुए, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की तो पैसा भी बहुत कमा लिया। पैसा कमाने के बाद यू टेक द मनी फॉर ग्रांटेड, वो वैल्यू निकल जाती है पैसे की, देन यू फील दैट ये तो कुछ नहीं है। बचपन में आप लोग मुंबई के ही रहने वाले हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और लेकिन मेरे पेरेंट्स कराची से आए। अच्छा, कराची से आए जब उनकी उम्र 16 साल की थी। ओके, 47 में वो रह रहे थे कराची, शिकारपुर में रहते थे। शिकारपुर इज वेरी प्रॉस्परस विलेज थी पाकिस्तान में, यू ऑफ पाकिस्तान है, उस समय तो यूनाइटेड इंडिया था। उनका लास्ट बोट आया था उस बोट में, उसके बाद कोई बोट नहीं आया। उनकी उम्र 16 साल की थी, रेफ्यूजी कैंप्स में रहे, तो दोनों की शादी भी यहीं पर होगी। उस समय देन दे रियलाइज, मुझे याद है बचपन में 6-7 साल का था, जब बात करते थे तो बोला कि नहीं, मैं भी तो उस बोट पे था। अच्छा, तो उनको पता नहीं था कि वो साथ में उसी बोट पर आए। तो बोला तो तुम कहाँ गई थी? बोला मैं तो कुर्ला में रही थी। बोला मैं क्या, कल्याण कैंप पे था? अच्छा, वो लोग कराची से मुंबई आए, मुंबई से आके फिर दौंड कैंप में ले गए। तो दौंड कैंप इज 76 किलोमीटर पूना से। आज भी अगर आप दौंड पे जाएंगे तो अब बिछड़ा है, लेकिन उस समय क्या होगा 47 में। तो वो वहाँ से आए, फिर मम्मी में उनकी शादी भी हो गई। वो स्ट्रगल था, वो सभी लोग उस समय तो गरीब थे। तो क्या करते थे फिर? मेरे फादर एक सेल्समैन थे दुकान में, मोता मार्केट है बॉम्बे में, भगवान दास एंड कंपनी, उनमें सेल्समैन थे। उनकी लास्ट सैलरी थी 290 रुपीज, मतलब 10 रुपया भी दिन का नहीं कमाते थे। मुझे याद है बचपन में कभी 5-6 साल का था, टाइम वाइम तो नहीं होता था, हमारे बालकनी होती तो बालकनी से एक छोटा सा होल होता था, मैं उस छोटे होल से ऐसे देख कर मेरे फादर का आने का टाइम हो गया। तो टाइम क्या था कि जब अब ट्रैफिक कम है तो कुछ बस जाए थोड़ी देर और बढ़े, फिर एक जब मोड़ से एक कुर्ता पैजामा वाला आदमी आएगा, मनुष्य आएगा, और वो आके आएगा, तो वो मेरे फादर हो गए। तो उनको मैं देखता था अराउंड 9, मुझे पता था अभी 9:30 बजे आने वाले, तो वो गरीबी थी बट उसका एहसास नहीं हुआ, गरीबी थी लेकिन तो जी लेते थे। और फिर आपके डैड ने नौकरी छोड़ दी, बोले कि अब अपना दिवाली की रात को। हाँ। वो मुझे ध्यान है, वो चीज आपने उनसे ली है कि एक बार बस फैसला कर लिया, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ही करना है। नहीं, उन्होंने बोला कि अगर मैं सेठ के लिए 70-80-100 रुपए दिन का कमा सकता हूँ, क्या खुद के लिए 10 रुपया नहीं कमा सकता? ये उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा, मुझे ध्यान हो सकता है, अगर मैं उनके लिए कमा सकता हूँ खुद के लिए भी कमा लूँ। लेकिन ये मालूम था कि क्या करेंगे नौकरी? मैं बेचने को तैयार ही हूँ, तो फैंटास्टिक सेल्समैन, बहुत ही अच्छे सेल्समैन थे, कुड सेल एनीथिंग, मैं बेचूंगा। बेचने के लिए कैपिटल चाहिए था, तो उधार पे
कपड़ा लिया और लोगों के घर पर जाकर बेचने लगे। अच्छा, कपड़ों का काम शुरू किया। साड़ी हो, पैंट पीस हो, शर्ट पीस हो, लोगों के ग्राहकों में जाकर बेचकर आते थे। ये ध्यान है, तो वो वहां से उन्होंने शुरू किया। डिड यू फील बैड अबाउट इट? नहीं, मुझे पता ही नहीं था, एहसास भी नहीं था, मैं तो बच्चा था, दैट इज ओके पार्ट। लेकिन मुझे याद है, उस कॉन्वर्सेशन याद है मुझे, मदर और फादर जब बात कर रहे थे तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद है। मुझे उम्र क्या, 60s की, मैं 7-8 साल का होगा, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन रात है, वो दिवाली की रात याद है मुझे। और उन्होंने जब शुरू किया तो 12 रुपये कमाया फर्स्ट डे, तो 2 रुपये मदर ने उसको अलग रख दिया, क्योंकि घर चलता था 10 रुपये में। तो ये जो जर्नी था, मैं विटनेस था उसका, लेकिन मुझे एहसास कुछ नहीं था। मैं डफर था, एब्सोल्यूट डफर। तो मेरी मदर बोलती थी पढ़ा गुस्सा करके, कि पढ़ पढ़ के कम से कम SSC पास कर लो, ताकि एक क्लर्क बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल जाए। तो धक्का दे देकर पढ़ाती थी, गुस्सा करके, प्यार करके, सब करती थी, क्योंकि दुकान में सेल्समैन किसी और की नौकरी नहीं करनी चाहिए। उस समय तो बैंक जॉब और सिक्योर जॉब वही था, और तो कुछ था नहीं। तो आपने भी धक्का खा खा के पढ़ाई कर ली फाइनली? पढ़ाई तो नहीं कि पास हुआ, थर्ड स्टैंडर्ड फेल हो गया मैं। थर्ड स्टैंडर्ड भी फेल हुआ मैं, रिपीट किया क्लास, कोई करता नहीं, लेकिन मैंने किया था। थर्ड स्टैंडर्ड, ओके, हमारे, अब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हुई थी। चलो ठीक है, गुड, कांग्रेचुलेशंस। सो उसके बाद फिर आपने नौकरी शुरू की? नहीं, 71 पास करके फिर नौकरी तो बाद में शुरू की। 4 साल की मैंने ग्रेजुएशन की, वो भी पास हुआ 35%। आई वाज अ डफर, एब्सोल्यूट डफर, इंटरेस्ट नहीं था किसी में, इंटरेस्ट नहीं था। तो ग्रेजुएशन के बाद तुरंत नौकरी? उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी से मिला, एंड उससे मैंने डिस्टेंस करीब 50 or 75 meters वॉक किया। मैंने उससे पूछा करते क्या, बोलता है मैं भवंस कॉलेज में मैनेजमेंट करता हूँ। तब मैंने उससे बात करते करते विद इन 2 or 3 seconds आई डिसाइडेड मैं भी मैनेजमेंट करूँगा। तो वहाँ से मेरे ख्याल से शायद एक ट्रिगर वहाँ मिला, तो मैंने मैनेजमेंट किया। उस समय वेरी इजी था, मैं भी कॉलेज में मिल जाना, कोई कुछ नहीं, वेरी इजी था। फी वाइज बहुत एक्सपेंसिव नहीं? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। तब तक तो मेरे फादर रिच भी हो चुके थे। कितना वक्त लगा उनको रिच होने में, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया? और 10 साल। बिकॉज क्या है, 60s की बात है जब ही लॉस्ट नौकरी, और 71 में हमारा एक घर था जब 60s में रहते थे, एक छोटा था, 120 स्क्वायर फीट का रूम था। उसमें किचन भी था, रूम भी था, और रहते भी उसमें थे 120। जैसा चॉल सेटअप? एब्सोल्यूट चॉल। ओके, मतलब बाथरूम्स वर आउटसाइड, कॉमन बाथरूम। 71 में वी शिफ्टेड, हमने शिफ्ट किया वर्ली सीफेस पे, वहाँ पर एक 2-bedroom अपार्टमेंट था, पैनोरामिक सी व्यू, 9th floor, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया था। वो 71 में हुआ, तो मतलब करीब 10 साल लगे उनको पैसा कमाने में। उन्हें तब तक एक दुकान भी ले ली थी। अच्छा। हाँ, लेकिन हम बच्चे छोटे थे तो दुकान शुरू नहीं की। ओके। 75 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया। जब ग्रेजुएशन पास किया तो उन्होंने एक दुकान खोल ली उस समय। तो मेरा बड़ा भाई मुझसे 1 साल बड़ा था, तो उन्होंने हेल्प करके वो दुकान शुरू कर ली। और मैंने बोला मैंने पढ़ लिया है, मैनेजमेंट कर लिया है, तो फिर मैं भी कुछ करूँगा। तो कॉर्पोरेट लाइफ को कहाँ पे ज्वाइन किया? पहले मैं एक कंसल्टेंट था 1 साल का, उसके बाद 2 साल मैंने डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिस्टर संजय डालमिया, तो उनकी कंपनी में ज्वाइन किया। उन्होंने फिर एक फर्टिलाइजर प्लांट बनाया दारूहेड़ा हरियाणा में, जो कि 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। तो वहाँ से मेरा प्रमोशन हो गया दिल्ली में। तो वहाँ पर दिल्ली में दारूहेड़ा जाता था। और इनफैक्ट कल ही मुझे एक मेल आया किसी का, जो कि उस मल्टीटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में कोई इंजीनियर था। अच्छा। ही कॉन्टेक्टेड मी यस्टरडे, कुछ मेल भेजा आई। तो आपने कहीं कहा था कि आपकी सैलरी थी वो सबसे कम थी आपके ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने शुरू किया, जब शुरू किया था। और फिर आप 2 साल में आपका प्रमोशन हुआ और आपको सेकंड इन कमांड बना के दिल्ली भेजा गया। या आई वाज अ गो गेटर। वाओ। लेकिन सब अच्छा चल रहा था, फिर आपके पापा दिल्ली आते हैं एक दिन और बोलते हैं बस हो गया अब चलो वापस। उनका एक रीजन था। उन्होंने बोला कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। तो मैं बोला यहाँ आई एम डूइंग डो वेल, मेरा कैबिन है, बिग मैन हियर, तो यहाँ छोड़ कर क्या ना। तो इन्होंने एक बात बोली, नीच नौकरी ऊंच व्यापार। ये मुझे लाइन याद है, जब तक अच्छा काम करते हो तो मालिक आपको सिर पर बिठाएगा, जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो यू लूज योर जॉब। मैंने वो देखा है, मुझे पता है नौकरी क्या होती है। आज कोरोना में हमने वही हाल देखा। देन ही सेड वन मोर थिंग,
आज फैमिली में ज्वाइन कर लोगे तो ठीक है, बाद में भाई लोग घुसने नहीं देंगे। ओके, ये बात मैंने कभी कही नहीं किसी को, ये फर्स्ट टाइम आपको कह रहा हूं। फिर भाई लोग आपको घुसने नहीं देंगे, तो इसलिए आना है तो अब आ जाओ। इनफैक्ट आई वांट यू टू कम बिकॉज सब तुम तीनों भाइयों का है। आप लोग तीन भाई? एक छोटा भाई भी है मेरा, अच्छा, 8 साल छोटा, एक बड़ा भाई है 1 साल बड़ा। ओके, ये उन्होंने कहा, ये मैंने बात अभी तक कही नहीं है, लेकिन यस, बट ही वाज दैट फोरसाइटेड, ही न्यू व्हाट इट वाज। फिर आपने अपना सामान बांधा, डिजाइन करने मैं आता हूँ, तो मुझे भी वक्त लगा रिजाइन करने में, मैं रिजाइन करके आ गया। और फिर यहाँ आकर बिजनेस संभालना शुरू। मैंने कंडीशंस मेरे फादर को, मेरे फादर ने बोला कोई कंडीशन, तुम्हारी सब कंडीशन एक्सेप्टेबल। कंडीशंस थे क्या वैसे? मैंने बोला मैं सेकंड बिजनेस करूंगा, अच्छा, इस बिजनेस पे नहीं करूंगा। सो प्राइमरी था कपड़ों का, हाँ, तो मैं और एक बिजनेस बढ़ाऊंगा इस बिजनेस, अच्छा, को इस बिजनेस वापस इस दुकान पे नहीं होगा, और एक दुकान होगी। ओके, बिजनेस दूसरा होगा। मेरे सब कंडीशन एक्सेप्टेबल, मैं सुनो तो इसे नहीं एक्सेप्ट, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो उसके बाद मैंने बोला मैं शादी नहीं करूंगा जब तक मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। ओके, हाँ, ये मेरा एक कंडीशन था। इस इज डन, एब्सोल्युटली फाइन। आपके दिमाग में क्या था कि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? कुछ भी होगा, सेकंड दुकान होगी। उसमें मैंने एक प्लांट, एक प्रोजेक्ट बनाया था ऑयल रिकंडीशनिंग का। MIDC थाना क्रिक थी, ट्रांस थाना क्रिक में लैंड भी अलॉट हो गया। मेरे फादर ने बोला वो तुम्हारा धंधा है नहीं, ये धंधा तुम्हारा है नहीं, ये तुम अलग बिजनेस कर रहे हो, पता नहीं कैसे कर सकोगे नहीं करोगे, पक्का नहीं है। करना है तो ये धंधा जो मुझे आता है कपड़ों का वो करो, उसमें मैं हूं, मैं हूं, मुझे पता है धंधा क्या है, कपड़ा क्या है, तो यहाँ से सीखो। तो मतलब ओके, तो फिर मैंने सेकंड दुकान ले ली, वहां से शुरू की। खूब पैसे बनाए, खूब खूब खूब। फिर मैंने एक्सपोर्ट शुरू किया, होलसेल किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, काफी किया। मतलब आई रियली एक्सपेंडेड, आई वाज ऑन फायर। और तब लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्यों? सब अच्छा चल रहा था, दुकान अच्छी, काम अच्छा, धंधा बड़ा हो गया, पैसे कमा रहे, किस कीड़े ने कब काट खाया? क्या था कि पैसा जब बहुत होता है ना, देन यू लूज वैल्यू फॉर मनी। लेकिन आपकी मेहनत के पैसे, देखिए आप तब वैल्यू लूज करते हैं अमूमन, जब आपको कोई देता है, कहीं बाहर से इजिली मिल जाता है, पापा ने कमा के रखा आपके हाथ में आ गया, आपको वैल्यू नहीं, क्योंकि आप उसकी मेहनत, आपने तो मेहनत करी ना इतनी सारी, लेकिन पैसा बहुत था, मोर देन व्हाट यू नीडेड, मच मोर देन, नॉट मच, मच मोर। इस लाइन को ध्यान में रखिए गाइस, हम एकदम एंड में आएंगे। मच मच मोर देन व्हाट यू नीडेड, इतना पैसा था। जब पैसा ज्यादा होता है ना, बोलते हैं लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाते हैं, जी जी, ये मैंने सुना है, लेकिन उसका एहसास बाद में हुआ। जब पैसे आने लगा तो फ्री मनी, ये इन्वेस्ट कर दो, ये इन्वेस्ट कर दो, ऐसे कर लेते, ये कर लेते, वो कर, ऐसा कभी सोचा नहीं। प्लान करना, अगर उस समय बी वेल्दी का आपको था भी नहीं ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि प्लान इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे फ्यूचर प्लानिंग, कुछ पता नहीं था। पैसा आ रहा है ना, ठीक है ना, ये आता ही रहेगा, नल जो है खुला हुआ बंद नहीं होगा, ये अजम्पशन था। तो उस समय कुछ हमारे मार्केट में कुछ लोग थे, तो वहाँ लोग मिले जो कि बात करते थे, डिस्कस कर रहे थे कि हमने इतना पैसा बनाया स्टॉक में, कैसे बनाया, मतलब स्टॉक मार्केट में बनाया, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। जहाँ आपका काम था उसी जगह आस पास लोग, एंड वो लोग अनपढ़ थे, तो मुझे एक सुपीरियरिटी फीलिंग है कॉम्पेयर, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये इतना ऑनेस्टली कोई नहीं मानता है, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं कि मुझे सुपीरियर, बाकी सब इडियट्स हैं। ओके ओके, ये बेवकूफ लोग पैसा कमा सकते, तो मैं तो इंटेलिजेंट, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो पैसा कमा ही लूंगा। ओके, तो उनसे मैंने पूछा कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, मैंने, मुझे फर्स्ट स्टॉक मुझे बताया ट्रांसपैक्ट पैकेजिंग, 14 रुपीज का स्टॉक मैंने खरीद लिया। कितना याद है? 1000। अच्छा, 14,000 का ले लिया, विद इन अराउंड 14 टू 15 डेज उसका 28 हो गया। मैंने बेच दिया, 28 का 100% मूव हुआ था 14 डेज में। मैं बेवकूफ हूँ, इतना सारा बिजनेस में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आखिर में ग्रॉस प्रॉफिट इज 22%, नेट प्रॉफिट इज अराउंड 12%, ये तो 100% मिलता है, कुछ काम भी नहीं किया मैंने, मैंने तो खाली पैसा इन्वेस्ट किया, इनसे पूछा, इन्होंने बोला लगा दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो इनसे ही पूछो। लेकिन वहां पर एक बात का बाद में जो एहसास हुआ कि जब जो पैसा बनाते हैं तो ब्रैग करते हैं कि मैंने पैसा बनाया, जब कोई लॉस करता है कोई उसको बताता नहीं, दे टेक इट पर्सनल। मैंने किया तो आई एम स्मार्ट, आई मेड मनी, इफ आई लॉस मनी आई कैन, हाउ कैन आई लूज मनी, तो किसको बोलते नहीं है। तो जो लूजिंग की स्टोरीज है, लॉस मेकिंग स्टोरीज, तो बाहर आती नहीं।
सभी लोग समझते हैं सब स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं, अगर कोई पैसा बनाता है तो कोई सामने वाला लॉस भी करता है, right. ये एहसास किसी को नहीं है. आपका पहला नुकसान कब हुआ था? उसके तो पैसा मैंने और बनाया, बहुत बनाया. फिर मुझे याद है मैंने टाटा केमिकल लिया था 30 रुपए का. उसका मैंने 630 हाई देखा. दरबारी से चेयरमैन थे तो जब वो रिटायर हो रहे थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बेस्ट इज येट टू कम. उसके बाद वो बैक टू 38 हो गया, मैंने वहां वापस भेजा. बिकॉज आई बिलीव दरबारी सेठ टाटा के चेयरमैन थे, टाटा केमिकल के, कि द बेस्ट इज येट टू कम, मतलब और ऊपर जाएगा. But that was the top. Top, yeah. And it came back to 38 rupees. So I bought for 30 and sold at 38. Mm. That means I saw the run for 30 se, yeah, 630, fir 30 dekha. Wow. Lekin wo tha ke statement par vishwas tha ke nahi, darbari seth ne bola. Because mujhe nahi us samay technical analysis pata tha. Research nahi karte the. Nahi, nahi, pata hi nahi tha. Fundamental analysis kya hota hai, mujhe pata nahi tha. Technical analysis kya hota hai, mujhe pata nahi tha. I was not aware. Ek annadi tha. Assumption, इसने बोला ले ले लो, किसी और ने बोला. लकी समझते हैं उस दौर उस फेज में आप लगता है कि इंटेलिजेंस काम नहीं आ रही थी, लेकिन आपके फेवर में चीजें जा रही थी. हाँ, जा भी रही थी, नुकसान भी हो रहा था. कितने साल चला ये पूरा? ये चलता रहा अराउंड मेरे ख्याल से ये करीब 98 में शुरू किया था. अच्छा, 2-3 साल 4 साल लगे. उस समय फिर जब ऊपर जाता था तो बेचता नहीं था क्योंकि और ऊपर जाएगा. नीचे आता तो बेचता नहीं था क्योंकि फिर ऊपर जाने वाला है. क्योंकि ये सारा जो बाय था ये आपके किसी भी एनालिसिस पे नहीं डिपेंडेंट था, 100% सिर्फ इंफॉर्मेशन पे था. इंफॉर्मेशन, अब किसकी एक बार उसने इंफॉर्मेशन दे दी और चल गया तो नेक्स्ट टाइम उस इंफॉर्मेशन पर विश्वास करो. क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पर नहीं था और कुछ बैकग्राउंड चेकिंग, जीरो नॉलेज था. तो लॉस होते गया होते. इनफैक्ट आज भी मैं आपको एक बैग बता दूं, दो बैग्स हैं मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट्स की पड़ी हुई हैं, फिजिकल कॉपीज, दे आर डेड, जीरो मनी. ये नॉर्मल बहुत सभी के पास ऐसा, काफ़ी लोगों के पास होगा. ये सबका यही एक जर्नी है. एंड यू स्टार्टेड लूजिंग मनी, लेकिन वो कंफर्ट था लूजिंग का कि पैसे बहुत थे तो लॉस मेकिंग होते गए. फिर 2000 में बस्ट भी होगा, .com बस्ट, बिजनेस भी सफर हुआ क्योंकि वक्त नहीं दे रहे थे वहाँ पे. हाँ, एक तो वक्त नहीं दे रहे थे लेकिन बिजनेस भी सफर, .com बस्ट जी. फिर स्टॉक मार्केट में भी लॉस नहीं लगा. तो वह लॉस होते होते एक बार मुझे याद है कि पैसा नहीं था. आपने सारे पैसे लगा दिए थे जो आपने कमाए? I became kind of a gambler. And nobody stopped you in your family? Nobody. Because you see, nobody stops you because of family. लेकिन पैसे तो आप लोगों का जो बिजनेस था वो सबका था, right? हम एक बड़े भाई का अलग था, अच्छा, छोटे भाई और मैं अलग था. तो आपने, अच्छा, आपका छोटे भाई का इकट्ठे था या दोनों का अलग? इकट्ठे. तो वहां पे वो नहीं टोकते थे आप पैसे क्यों निकाल? नहीं, कंफर्ट था, नहीं हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट था. अच्छा, उसका विश्वास था मुझ पर कि प्रकाश करेगा, सही करेगा. लेकिन जब डूबने लगे पैसे तब किसी ने, दैट्स आई थिंक दैट्स अ बिग एडवांटेज. उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं जब मैंने शुरू किया और सक्सेस किया, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हमेशा. मुझे मोहित, मैं HR कॉलेज में पास हुआ 1975 में, तो मैं उस समय 500,000 रुपया ले जाता था 75 में एज ए ग्रेजुएट. मेरा बेटा एक दिन उसी कॉलेज में गया था एंड वंस ही केम होम एंड पानी पिया उसने, तो मेरी वाइफ मंजू ने पूछा कि बेटा बिस्लरी क्यों नहीं ले लिया? तो मम्मा बिस्लरी 5-6 रुपए की थी, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे. कॉलेज वही, वक्त अलग था, पैसे नहीं थे, लेकिन हम सब ने सफर किया, एब्सोल्युटली, लेकिन किसी को ब्लेम नहीं किया. यहाँ पर एक लर्निंग के लिए जो सुन रहे हैं, आपने कहा कि I kind of became a gambler. Yes. Trading कब gambling में बदल जाती है? पता नहीं पड़ता है. When you want to make money. क्या होते हैं? When you want to make money. वही नियत से आप जाएंगे ना निवेश. सभी को पैसा कमाना है. It's a difficult game. हम कहते हैं ना, anything easier than making money? Yes, losing is easier than making money. तो जब बहुत lose कर रहे थे पैसे और almost सारा पैसा खत्म हो गया था, तब भी ये जिद क्यों थी? ट्रेडिंग से ही पैसा, होप
कि और जाएगा ऊपर, जो स्टॉक हमारे पास है ऊपर जाएंगे। तो वो फेज कैसा था लेकिन जब वो पैसे एकदम खत्म हो गए? ये कंफर्ट फीलिंग होता है, कंफर्ट ऑफ लूजिंग मनी। जब व्हेन यू आर कंफर्टेबल लूजिंग मनी एंड यू हैव मनी तो यू कीप ऑन लूजिंग मनी। लेकिन वो कंफर्ट खत्म हुआ एक टाइम पे आके, ना खत्म हुआ एक दिन जब मैं, ये आई रिमेम्बर, मुझे वो दिन याद है। ब्लड प्रेशर पिल लेता हूँ, एम्लोपिन, आज तक लेता हूँ। तो एम्लोपिन लेने गया था तो बैंड्रा मेडिकल स्टोर है बैंड्रा, तो वो चला गया। तो उसने मुझसे 12 रुपीज मांगे, 12 रुपये, और मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे, और आज भी मैं उस 10 रुपये संभाल के रखा है मैंने। आपने लैमिनेट करवा के रखा? जी रखा हुआ है, इट्स विद मी हियर टुडे नाउ आल्सो। तो उसने कहा कि बाद में दे देना, ऐसे नहीं मैं आता। तो मैं छोटे भाई के पास गया, उसको मुझे 2 रुपया देना। पर क्या चाहिए? तो मैंने बोला मुझे दवाई चाहिए। कौन सी चाहिए? मैं एम्लोपिन। तो इसने ओपन दिस ड्रावर, ही हैड ओनली 55 रुपीज। तो दवा तो ली और फिर घर पर आकर मैं रोया, लेकिन आंखों में से आंसू नहीं आए। वेरी फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि आई हैव लॉस्ट मनी। प्रकाश का सर ये बताइए आप मुझे, जब आपके पास नहीं थे दवाई खरीदने के भी पैसे, आपके और कोई सेविंग कहीं नहीं थी? नहीं, जीरो सेविंग पे चल रहे थे? नहीं नहीं, हम वी वर इन माइनस, वी हैड अ 4.5 लाख रुपीज ओडी फैसिलिटी फॉर द शॉप। एक फैसिलिटी था, वो फैसिलिटी था, तो उसमें भी हम थे। आई घर पर आके मैंने फर्स्ट वाइफ से पूछा कि घर का खर्चा कितना और कैसे कम कर सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, देन हमने एक्चुअली उस समय फर्स्ट टाइम हमने लिखा कितना खर्चा कहाँ है। तो बोला कि 15,000 खाया, मैं संभाल लूँगी घर। तो मैं बोला ठीक है, 500 रुपये दिन का इच्छी से अगर मुझे आप दोगे तो मैं घर चलाऊंगी। मैंने वो तो दे दूंगा क्योंकि ओडी फैसिलिटी है, 500 तो मिल ही जाएगा। फिर मैं बाथरूम में गया, मेरा गीजर था, बॉयलर, मैंने बॉयलर का स्विच निकाला। मेरे पैसे नहीं तो गर्म पानी से कैसे ना हो? तो खर्चा कम करना था, तो बल्ब ज्यादा कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्यूबलाइट, नेक्स्ट टाइम बल्ब खराब है तो ट्यूबलाइट लेंगे। दैट काइंड ऑफ डिसीजन लिया गया, इट वॉज वेरी कॉन्शियस डिसीजन। लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं मैंने, ना मेरे बड़े भाई को बताई, ना कोई फैमिली, ना इन लॉज को बताई। ही वाज पार्ट ऑफ इट। तब मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे मिठाई बनानी आती है, तो मैं इसका ऑर्डर लूंगी। ठीक है, तो उनकी बनाई, उसने 1-1 किलो 1.5 किलो की ऑर्डर मिल रहा था, तो उससे वो एक हेल्प हो जाता था। तब मैंने सोचा कि मैंने अगर पैसा गवाया है तो किसी ने तो कमाया है। अगर वो आदमी पैसा कमाता है, कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? ये फर्स्ट टाइम एहसास हुआ। तो मैं इस, ये जिद होती है ना कि मैं इस बिजनेस को समझूंगा और मैं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। That's the mindset we are talking about. अमूमन लोग जब बड़ा नुकसान होता है, हाथ जल जाता है, तो बोलते हैं बस हो गया, जी हाँ, अब चलते हैं सेफ्टी की तरफ, बहुत खेल लिया जो खेलना था। लेकिन ये जो जिद होती है कि अब तो सीख के ही रहेंगे, जो नुकसान होना था अब से और नुकसान क्या ही होगा, सब चले गए पैसे ऑलरेडी, राइट, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं पैसा कमाऊंगा। तो मेरे को किसी, एक बार मैंने देखा किसी को एक चार्ट देख रहा था, मतलब ये क्या, बोला ये चार्ट है, क्या होता है? बोले कहाँ देखते थे जाके? इसे कि मैं कहाँ ही थे, मैं किसी 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 मिलने गया था, मेरे वाइफ की कजिन का हस्बैंड था, अच्छा, मिस्टर दीपक मकेजा, उनके ऑफिस में चला गया एक बार। बोले ये चार्ट देख रहा है, बोले यहाँ खरीदो यहाँ बेचो, ऐसे ये तो इजी है, मुझे वही तो चाहिए, कहाँ मिलेगा चार्ट? बोले ये एशियन CRC है, वहाँ पर मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा? बोले फ्री फायरेटेड सॉफ्टवेयर है, लगा के दे देंगे। बोला ठीक है, मुझे चाहिए। तो मैंने लगवाया, वो चला नहीं, चलता गया, सीखता गया सीखता गया। फिर वहाँ पर मैंने किसी को रिटेन किया, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो किसी को मैंने रिटेन किया, मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाओ। तो मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर, वहीं से उसने मुझे सिखाया। तो ये सब कहाँ, घर पे? घर पे, घर पे, बिल्कुल घर पर। तो वो मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर को हेल्प देखते थे, वहाँ पर कौन सा इंडिकेटर है, स्टडी करते थे, व्हाट इज द इंडिकेटर, वो करते 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 आई स्टार्टेड लाइक अ मैड मैन प्रोसेस, 16-18 आवर्स अ डे, कम से कम 3 साल तक मैंने ये काम किया, सीखा। और उस 3 साल तक घर का खर्चा मैम 500 रुपीज अ डे, अच्छा, और प्लस उनका मिठाई का अपना, वो दैट वाज स्टिल इनटू गोइंग इनटू दैट। आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, लूजिंग मनी। छोटे भाई वो क्या, वो दुकान संभालते थे, मैं दुकान भी जाना ही बंद कर दिया, आज तक मैं दुकान में नहीं आता। वजह दैट इज नहीं, अब मेरा ये बिजनेस हो गया, नहीं जाना काम के लिए, नहीं जाना, डिफरेंट। उस समय मैं सीख रहा था ना, मैं सीख रहा था, तो दुकान संभाल, मैंने कहा मैं ये संभालता, अब दुकान वो मैंने उसको दे दी, तुम्हारा दुकान है, सुबह संभाल। तो मतलब इट्स अ जर्नी थी, वो जिद की जर्नी थी, जिद चाहिए कि मुझे सीखना है।
और इसी बीच कुछ ट्रेडिंग की, मतलब पैसे थे नहीं कहाँ से करते? मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, रिलायंस का लिया था। अच्छा। उसमें मैंने 1.60 रुपीज पर 100 शेयर्स लिए और बेचे 160 शेयर्स विद इन फ्यू मिनट्स एंड आई मेड 160 रुपीज। वो बेसिस ऑन माई ओन एनालिसिस। फर्स्ट, पहली बार हुआ कि पता है कि क्या कर रहे हैं। ये खरीदना रिलायंस, यहाँ खरीदना, ऊपर चला गया, बेच दिया, 160 रुपीज घर पर लेके आया। उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, आज प्रॉफिटेबल करके जाऊंगा। वो जर्नी वहां से शुरू हुई। अच्छा। रिलायंस 1.60 रुपीज पर ट्रेड, 100 शेयर्स। फिर वहां पर वक्त लगता है, तो वहां पर एक ट्रेडिंग ग्रुप था, तो मैं देख रहा था कि एक ट्रेडिंग ग्रुप है और काफी ट्रेडर्स हैं, चार्ट पोस्ट करते हैं और बताते हैं यहाँ खरीदा बेचा। आई थॉट वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहां पर एक ट्रेडर थे, तो मैंने उसे मेल भेजा, आई वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग, विल यू टीच मी। तो 2 दिन का मेल आया, यस आई विल टीच। तो मतलब थैंक यू वेरी मच। देन ही सेड मी सेकेंड मेल, कम टू अमेरिका। आई सेड डन। पैसे नहीं थे मेरे पास, आई सेड डन। ओके। तो फिर मेल आया कि आई चार्ज यू $4,000। बैक देन $4,000, तो $40 था उसमें। आई सेड डन। पैसे नहीं थे मेरे पास। सर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, सब जानना चाहेंगे कि आपके पास जब अकाउंट में पैसे ना हो और सब चीज़ के लिए डंडन करना, ये कहाँ से आता है? क्योंकि सीखना था। सीखना तो है, लेकिन ये कि $4,000 जुगाड़ करना और प्लस US की फ्लाइट। या उसका मैं बात बताता हूँ। तो उस समय जब ऑर्डर्स मिलते थे, तो वहाँ मेरे एक छोटे भाई के दोस्त थे अशोक रजानी। हाँ। मैं उनसे परसों ही मिला था। उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दिया अराउंड 24,000 का टू माई वाइफ। तो मेरे 24,000 प्रॉफिट हुआ उसमें। उसमें से 22,000 की टिकट ली मैंने अमेरिका पहुंचने के लिए। वहाँ पर मेरे मामा जी रहते हैं, उनके घर पे पहुँच गए रहने के लिए। हाँ। तो 2,000 के ऑर्डर डॉलर्स लिए। जब मेरे मामा का टाइम खराब था, तब मैंने उसे पैसे दिए थे जब मेरा टाइम अच्छा था, $4,000 वो मैंने वापस ले लिए। तो उनकी BMW चला के मैं पहुँच गया उसे आदमी के साथ, और 3 घंटा मैंने उसे बताया। उसने मेरा माइंड सेट चेंज किया, क्योंकि मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, अब्यूज में, एब्सोल्युटली अब्यूज में। I paid him $4,000 to get abused. Absolutely. गालियाँ दी, गंदी गालियाँ दी। उसने माइंडसेट मेरा चेंज किया। उसने 2-3 बातें बताई जो भी काफ़ी क्लियर है। ट्रेड वॉट यू सी, नॉट वॉट यू थिंक। ओके, जरा गौर से सब लोग सुनिएगा। ट्रेड वॉट यू सी, नॉट वॉट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, नथिंग एल्स। ये हम लोग बोलते हैं कि हम हमेशा प्राइस को फोरकास्ट करते हैं, क्या लगता है मार्केट? ये सवाल तो आपसे टीवी पे इतनी दफा पूछा होगा। प्रकाश जी जरा नहीं, आप गावा सर बताइए जरा, बाजार किधर जाएगा? तो हमको पैसा बनाने के लिए फोरकास्ट की जरूरत नहीं है। इफ यू नो ओनली कहाँ खरीदो, कहाँ बेचो, इफ यू लूज लेस एंड यू मेक मोर मनी, दैट्स अ ट्रिक। लेकिन हमारे ध्यान में यू शुड नो वेदर द मार्केट इज गोइंग टू मेक मनी, ये हमारा एक, हमको पता होना चाहिए कहाँ मार्केट जाता है, तब जाके हम पैसा बनाए, ये गलत है। किसी को नहीं पता होता कि बाजार किधर जाए। मार्केट ऊपर तब जाता है जब कोई खरीदता है, नीचे तब जाता है जब लोग बेचते हैं। कौन क्या करेगा मुझे क्या पता। हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर लॉस होगा तो आई विल बी आउट, प्रॉफिट होगा थोड़ा होल्ड करके मैं निकलूंगा। अगर प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो लॉस से और एज प्ले आउट करता है, जैसे कि कैजिनो में प्ले आउट हो रहा है, अल्टीमेटली विल बिकम अ विनर। वहां से वापस आते तो बदले हुए इंसान थे। हाँ, लेकिन उस, लेकिन ये प्रोसेस को टर्न होते होते भी वक्त लगता है, इट्स नॉट ईजी। समझ तो हम जल्दी जाते हैं। मेरे हर यूट्यूब वीडियोज में मैं कहता हूँ ये ट्रेड व्हाट यू सी, लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं, करते नहीं। इसको वक्त लगता है, एक्चुअली इट टेक्स अ माइंड सेट शिफ्ट, इट टेक्स टाइम। हम लॉस करने को तैयार नहीं, इसीलिए हम लॉस करते हैं। हम प्रॉफिट करने को तैयार है। सपोज यू आर विलिंग टू लूज, देन यू विल मेक मनी। मैं एक स्टेटमेंट है मेरा कि द बेस्ट लूजर विंस। आई लव माय लॉसेस, दैट काइंड ऑफ थिंग। लॉसेस कम हो, यू टेक योर लॉसेस। अगर आप फर्स्ट लॉस लेते हैं वो कम होता है, अगर वो लॉस नहीं लेते तो सेकंड लॉस होता है वो बड़ा लॉस होता है फर्स्ट से। अगर वो भी नहीं लेते हैं तो थर्ड लॉस जो होता है वो सेकेंड लॉस से बड़ा होता है। सो ऑलवेज टेक द फर्स्ट लॉस। कभी कभी होगा कि लॉस लेकर फिर ऊपर जाएगा, इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। आपने ये कहा था कहीं पर कि when you go with the intention to make money, you lose money. Exactly. तो किस नियत से? अगर मेरी नियत पैसे बनाने, और हम लोग कहते हैं सब यहाँ पे होता है, आप अगर इस नियत से जाएंगे मैं पैसे डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे,
तो पक्का डूब जाएंगे, जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वाली बातें होती है। तो अगर मैं इस नियत से जाऊँ कि अच्छा मैं जा तो रही हूँ पैसे लेकिन डूब जाएंगे मेरे, तो फिर पैसे कैसे बनाऊंगी। एक बात आपने मैनिफेस्ट की बात की, तो एक बात मैं बताऊंगा, स्विच ऑफ माइंडसेट चेंज हुआ। एक्चुअली जब मेरे पेरेंट्स थे तो मेरे मदर कहती थी किससे पैसे लो मत, तो हम किससे पैसे लेते नहीं थे। मेरे फादर का एक एटीट्यूड था सबको दो पैसा, तो सबको हेल्प करते थे, तो पैसा कमाते थे, लोगों को बहुत हेल्प करते थे। तो मेरे मन में था कि हम किसे लेंगे नहीं तो पैसा भी चला गया। लेकिन जब पैसा चला गया तो एक मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच आया मेरा कि नाउ आई वांट मनी, तो पैसा मुझे चाहिए। तो वहाँ से जो कीड़ा लगा पैसा चलाने का वो आज तक है, देन मनी स्टार्टेड कमिंग। मेरे ख्याल से मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पर स्विच की जरूरत है। लेकिन ट्रेडिंग में इफ यू विलिंग टू लूज यू विल मेक मनी, बट अगर आप यू नॉट विलिंग टू लूज यू विल लूज मनी। इफ यू कैन टेक स्मॉल लॉसेस, यहीं पर गेम है। लॉसेस शुड बी वेरी स्मॉल, दैट्स ऑल, यू शुड बी विलिंग टू लूज। ऑलराइट, ये बताएं कि ट्रेडर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर इनफैक्ट, टेम्परामेंट क्या होनी चाहिए किसी की भी? प्रोसेस फॉलो, प्रोसेस, बिकॉज मार्केट में क्या हो रहा है हमको पता नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, हमारा प्रोसेस हमारे हाथ पे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक एज चाहिए हमको, एक एज चाहिए। इट शुड प्ले आउट ओवर अ पीरियड ऑफ, कहते हैं कि 20 ट्रेड में या 50 ट्रेड में या 100 ट्रेड, और जैसे कैजिनोस के एज है, वो एज हमको चाहिए। उस एज के साथ अगर आप लॉस कम करते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं, लॉस कम करते हैं प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं, अल्टीमेटली इट विल पे आउट। ब्रेक इवन अगर 1:2 और दिस वॉट रेशो 50-50 यू आर मेकिंग गुड। अगर 33% भी आप राइट है तो यू आर ब्रेक इवन। तो एज तो चाहिए ही चाहिए। अगर कॉइन टॉस में भी 50-50 है, अगर आपके पास एज है, टेक्निकल एज है, उसको आप प्ले करते हैं एंड लूजिंग लेस एंड मेकिंग मोर मनी, सवाल ही नहीं उठता पैसा कमाओ नुकसान करोगे, यू विल मेक मनी, इट विल प्ले आउट। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे ना जो आपको लिखते भी होंगे, बातें भी करते होंगे, प्लस रिपोर्ट्स भी आ जाती है कि इतने डीमैट अकाउंट खुले लेकिन इतने लोग नुकसान कर रहे हैं, 90% राइट? क्यों नुकसान करते हैं सब? इसलिए क्योंकि किसी को सीखना नहीं है, जिद किसी के अंदर है नहीं सीखने की, बस पैसा कमाने की जिद है लेकिन सीखने की जिद नहीं है। इनफैक्ट साइकिल चलाने भी तो सीखना पड़ता है, चाय बनाने भी तो सीखना पड़ता है। हम ट्रेडिंग ही नहीं सीखते, हम समझते ईजी है, ईजी नहीं है। यू आर पिटेड अगेंस्ट द फाइनेस्ट फाइनेंशियल ब्रेन्स, उनसे पैसा कैसे कमा सकेंगे। इनफैक्ट पहले याद था 92 था, अब 89 हो गया है। तो मेरे ख्याल से 2-3% इसलिए बढ़ा है कि शायद एजुकेशन, लोग एजुकेटेड बढ़े, अपने आप को सीखते हैं ये, शायद इसलिए थोड़ा 1-2% बढ़ा है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। मुझे रोज ही फ़ोन आते हैं, कम से कम 20-25 फ़ोन आते हैं टेल बुकिंग, दे थिंक इट्स ईजी मेकिंग मनी। ये गलत है, ये एक नोशन है, एक वहम है, ईजी नहीं है, ईजी लॉस करना है। एक कहानी जो मिस हो गई, हमने बताई नहीं है, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, फिर से आपने पैसे बनाने शुरू कर दिए थे, वी मिस्ड इट, 80,000 आपका कमाई था, राइट? वो कहानी हम कैसे नहीं बताएंगे दैट, और वो कहानी प्लस उसके बाद एक और दो कहानियां थी जब आपकी तबीयत बिगड़ी थी। 80,000 की बात ऐसी है, मुझे ध्यान है जब मैं, जब डैडी ने, फादर ने बिजनेस शुरू किया था, तो उन्होंने मदर फादर बात कर रहे थे, मैं 7-8-9 साल का था, आपस में बात कर रहे थे, पहला 1,00,000 बनाना बहुत डिफिकल्ट, फादर ने कहा अगर 1,00,000 बन जाएगा ना तो 2,00,000 बनाना इजी होता है, मनी मेक्स मनी। ये मुझे सबकॉन्शियस पे था। जब मेरा पैसे खत्म हो गए तो आई रिमेंबर टेलिंग माय वाइफ 1,00,000 बना लेंगे। हम करोड़ों के जमाने में जब लॉस किया था तो हमने 80,000 जमा कर लिए थे, 80,000 बैंक में किया था। तो एक दिन सुबह मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं भैया कम इनटू द रूम, मैं गया, मैं छोटा भाई सोया हुआ था, एंड ही बोला ही कैन नॉट मूव, क्या हुआ? बोला आई कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट मूव, कुंड जस्ट कुंड मूव, मुझे पता नहीं क्या हुआ था। तो आई कॉल्ड अप हिज फ्रेंड, तो बोला ये तकलीफ है, आई वॉन्ट अ गुड डॉक्टर। तो ही वॉज फ्रॉम द फैमिली, हिंदुजा फैमिली, टेक हिम टू द कैजुअल्टी, मैं उनको फ़ोन करती हूँ, टेक हिम टू द कैजुअल्टी। तो मैं उसको कैजुअल्टी में ले गया, दे वर वेटेड फॉर, पता पड़ा कि पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है। तो ही वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 11 days, और मेरे 80,000 मैंने जमा कर लिए उधर, और बिल आया 11 दिन का 79,465।
535 रुपए थे, तो मैं घर ले आया उसको, तो मुझे याद है महिम दरगाह है वहाँ पर काफ़ी गरीब लोग बैठे होते हैं, उन्हें महेश को बोला महेश हाथ लगा, तो उसने हाथ लगा, मैंने वो 535 भी वहाँ पर दे दिए, होपिंग फॉर अ डिवाइन इंटरवेंशन कि मेरे छोटे भाई को ठीक करो। और वो ठीक हुए। घर पर आया तो मैंने वाइफ को बोला कि पैसे खत्म हो गए, तो इसे थैंक गॉड गॉड गेव यू 80,000 सो दैट यू कुड टेक केयर ऑफ भैया। तो वहाँ से लाइफ फिर शुरू हुई, फिर शुरू हुई। आपने कई दफा शुरुआत की है जिंदगी। थर्ड और एक हुई जब मेरे अंकल थे एंजियोप्लास्टी कर कर आए, एक बोला सब लोग हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं, एक मेरे अंकल हैं जो आर्किटेक्ट हैं, तो वो अपने डॉक्टर के पास गया, बोला हार्ट में एक ब्लॉक है करा गया, तो ऐसे दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू, मैं भी गया डॉक्टर के पास, एनीथिंग एवरीथिंग आई एम ओके एनीथिंग रॉन्ग विथ मी, तो चेक किया बोला एक एंजियो करना चाहिए ब्लॉक है तो कर लो। आई वेंट टू द फाइनेस्ट डॉक्टर, माई फादर्स कार्डियोलॉजिस्ट, माई फादर इन लॉज फ्रेंड, द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड एंजियोप्लास्टी इन द कंट्री, उसके पास गया। उस समय एक प्रोफेशनल हैजर्ड है वहाँ पर, एक कैल्शियम डिपॉजिट निकल ब्रेन में निकल गया, एंड आई बिकेम ऑन द टेबल, पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, आई वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेरा हाथ ऐसे था, एक सिंगल उंगली नहीं हिला सकता था, आई वॉज लाइक दिस कम्प्लीटली। और मेरे ध्यान है, उन्होंने बोला कि हम आपको एक क्लॉट डिजॉल्व करके मेडिसिन दे सकते हैं, बट 6% चांस ऑफ हेमरेज। आई सेड आई डोंट वांट, एंड आई टोल्ड हिम इफ माय ब्रदर कैन डू इट आई कैन डू इट, आई विल कम आउट ऑफ इट। तो वहाँ दैट वाज क्रूशियल, बट आई फॉट माय वे थ्रू। और कितने 6 हफ्ते 6 महीने 6 मैंने 6 वीक्स में प्लेन चलाया, उड़ाया मैंने 6 वीक्स के अंदर, और विद इन 9 मंथ्स गाड़ी चलानी शुरू की थी, अर्ली मॉर्निंग में स्लो जाता था, क्लब जाता था अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन 9 महीने लगे, आई वॉज 98% ओके। टीवी चैनल्स पर 28th डे को मैं गया था। मुझे नहीं पता आप ये कैसे कर रहे थे और कर लेते हैं। अब जब सब कुछ अच्छा रहे बना रहे, अभी भी आपकी जिद है जी, अभी भी आपने बहुत पैसे कमाने जी, क्यों अब क्यों जिद, अब तो कर लिया ना, लॉस हुआ था तो था कि जिसने किसी ने तो कमाए पैसे, मैं क्यों नहीं कमा सकता। हाँ। वो भी हो गया, आपने भी कमा लिए, अच्छा खासा एसेट तैयार कर लिया है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, अब ये जिद क्यों है? अभी एक्सेलेंस की जिद। अब और एक बात है, जब मैंने शुरू किया था तो हमको कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, राइट नहीं था, तो एक बात और रहती है कि तेरा जो जनरल पब्लिक है सही उनको एडवाइस कौन करे, जो हमको सुनते हैं टीवी पर, और सब लोग $4,000 नहीं दे सकते ना, जो हमको सुनते हैं उनका हार्ड अर्न मनी है, किसी के प्रोविडेंट फंड का पैसा है, किसी की बेटी की एजुकेशन का पैसा है, शादी का पैसा है, वो लगा, तो उनको एडवाइस देने के लिए आज दैट ड्राइव्स मी, आई थिंक दैट ड्राइव्स मी, तो मैं कोशिश बहुत मेहनत करता हूँ उनके लिए, तो आई थिंक दैट ड्राइव्स मी। इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 70, आई जस्ट कंप्लीटेड 70 19 जुलाई को, तो आई एम 70 प्लस नाउ। और आप कह रहे थे कि आप अभी भी 26 साल के ही हैं। जी हाँ, जब मैंने 7th ऑफ जनवरी 1980 को नौकरी छोड़ी थी तब मैं उसमें 26 साल का था, उसमें आग लगी थी, चिंगारी लगी थी, वो आज भी है। आखिर में एक चीज, जो लोग आप जो सुन रहे हैं आपको आज, उनके लिए 1, 2, या 3 सलाह जो आपको लगता है कि वो शुरुआत यहाँ से कीजिए, आगे फिर देखेंगे, लेकिन शुरुआत सही तरीके से शुरुआत ऐसे करनी चाहिए, step 1, 2, 3। एक बात है, एडवाइस ही मुझे, एक बार मैं मिस्टर SP हिंदुजा से मिला, हाँ जी, आई पम्प्ड इनटू हिम एट ITC मराठा कुछ 20 साल पहले या 15-18 साल पहले, तो मैं उनके पास गया, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम प्रकाश क्या, बोलते आई नो यू प्रकाश, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने 3-5 मिनट उनसे बात की, मैंने एक बात कही, मेहनत करो दिल से, दिल से मेहनत करो, मनी विल फॉलो, वो एडवाइस आई थिंक वाज द फाइनेस्ट एडवाइस आई गॉट। तो आज ही मेहनत को दिल से करता हूँ, पैसा आता रहेगा। कितने घंटे आज भी बैठ के पढ़ते हैं, काम करते हैं? 16-18 घंटा आज भी चल रहा है,
बिल्कुल सुबह और आप लोग कहते हैं कि आराम से पैसा चाहिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं बताइए जरा, सबको इजी मनी चाहिए होता है आज भी, बहुत नथिंग लाइक इजी मनी, देयर इज नो इजी मनी, एब्सोल्युटली नो इजी मनी, मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिल से मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके एफर्ट्स आपके 100% जेन्युइन है ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं यू विल सक्सीड। टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन यू विल सक्सीड। एफर्ट्स 100% चाहिए और जेन्युइन एफर्ट्स चाहिए। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो टिप्स का इंतजार नहीं कीजिए कि कोई आके बता देगा कि ये स्टॉक चलेगा ये स्टॉक नहीं चलेगा, उसके हिसाब से कॉल लेंगे। दैट इज नेवर गुड, दैट माइट वर्क इन सर्टेन केसेस बट नॉट ऑलवेज। I don't think so. No. Unless the tip is basically research based from a professional. लेकिन आप किस पे भरोसा करेंगे, इतने सारे लोग हैं। Risk अपने control करो। Right, correct. चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। Thank you so much. Thank you. मुझे actually closing देने की भी जरूरत नहीं है। आप comment करेंगे तो मुझे आपका feedback मिल जाएगा। आप बस ये याद रखिए कि आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।